खाने की चाहत में खुशामदीद। आज मैं बना रही लौकी का रायता। लौकी का रायता मैं बना रही हूँ। लौकी को पहले मैं कद्दूकस करूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा कद्दूकस किया था। अब ये है लौकी, एक ये 1.5 पाव के करीब है, तो इसको मैं कद्दूकस करूँगी, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। और इसको मैं इसमें डालती हूँ, थोड़ा सा स्टीम देना है मुझे, इसे स्टीम दे के पकाना है। चूल्हे में चढ़ा दिया। अब 5 मिनट तकरीबन इसको हल्की आंच पे मैं रख दूँगी, और नमक थोड़ा सा हसबे जायका मैंने डाल दिया इसमें। 5 मिनट मैं इसको रख देती हूँ। लौकी को मैंने बहुत ही स्लो आंच पे रख दिया था स्टीम देने के लिए 5 मिनट। अब ये पक चुकी है लौकी। अब मैं इसका रायता बनाती हूँ। ये मैंने 1/2 किलो दही लिया है। अब इसमें मैं हसबे जायका नमक डालूँगी, 2 हरी मिर्चें डालूँगी। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी, इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने इसमें डाल दिया है बाउल में। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने दही डाल दिया है। अब इसको बघारने के लिए मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा और साबित लाल मिर्च। इससे मैं बघारती हूँ इसे। मैं ऑयल डाल दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं सबसे पहले साबित मिर्च डालूँगी। इसमें कड़ी पत्ता और जीरा डाल दूंगी। ये हो गया। अब मैं इसमें जो रायता है ये डाल दिया मैंने। आप देख सकते हैं ये मैंने रायते में डाल दिया है। रायते में डाल दिया है। ये बहुत ही मज़े का रायता बनता है, चटपटा, बहुत ही झटपट बन जाने वाला है। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बच्चे खाते नहीं हैं, इस तरह आप लौकी को बनाकर देंगे रायता तो खा लेंगे। बहुत फ़ायदेमंद, आजकल गर्मियों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठंडी होती है लौकी, वैसे सब्ज़ी बनाकर दो तो बच्चे खाते नहीं हैं। ये बना के दीजिएगा आप लोग तो बहुत मज़े से खाएंगे, मज़े लेकर। आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। इसे आप पराठे से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, बिरयानी, खिचड़ी सब से खा सकते हैं। बहुत मज़े का होता है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में। झटपट बन जाने वाला रहता है ये। मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। आके मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।